जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताऊंगा आप कैसे एक 40 पेजेस की PDF फाइल को 4 शीट में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक 40 पेजेस की PDF फाइल है, आप उसको 4 पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप उसको 10 पेजेस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल प्रिंट करने से पहले वो PDF फाइल की जो डिटेल्स है, यानी कि अगर टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट जो साइज़ में आप पढ़ सकते हैं उसी साइज़ में आप प्रिंट कीजिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा छोटा कर लेंगे तो आप शायद नहीं पढ़ सकते हैं, तो अगर उसमें बड़ा बड़ा अक्षर लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल इसको 4 शीट में प्रिंट कर सकते हैं। 4 A4 शीट में आप एक 40 पेजेस PDF फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो PDF फाइल को ओपन करें, और यहाँ पे देखिए वो फाइल जो है बिल्कुल ओपन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमको आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये 40 पेजेस का एक PDF फाइल है। हालांकि इसमें अक्षर जो है थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे, यानी कि कंप्रेस करेंगे, या फिर मल्टीपल पेजेस प्रिंटिंग जिसको कहा जाता है, तो वही टेक्निक यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों। मल्टीपल पेजेस आप एक शीट में कैसे फिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल पेजेस प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है ओपन करना है, तो कंट्रोल पी दबा लीजिए, या फिर प्रिंट आइकन जो है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, पेज साइजिंग एंड हैंडलिंग जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल के ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद नीचे देखिए पेज पर सीट, यहाँ पे पेज पर सीट आप कितने पेज पर सीट में एडजस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे दें, यानी कि एक सीट में आप कितना पेज एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 6x3 अगर आप यूज करते हैं, यानी कि एक लाइन में आपको 6 पेजेस जो है 6 पेजेस एडजस्ट हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टली जो लाइन होता है वो 6 होगा, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो 3 होगा दोस्तों। तो इसी तरह आप इसको चेंजेस करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको जो साइज़ सूटेबल लगे वो साइज़ में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप एक 40 पेजेस की फ़ाइल को 4 पेजेस सीट में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट करना क्या है, एक पेज में आपको 10, यानी कि एक सीट में आपको 10 पेजेस का एडजस्ट करना पड़ता है, तो लगभग आपका जो प्रिंटिंग है वो 4 पेजेस में निकल जाएगा दोस्तों। और बिल्कुल ठीक उसके नीचे आप ही देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेज ऑर्डर जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप वर्टिकल भी चूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चूज़ कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो सूटेबल होगा वो चीज़ यहाँ पे आप सेट करें। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए पेजेस पर सीट जो है हम 6x3 चूज किए हैं, और पेज ऑर्डर जो है वर्टिकल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल पेजेस जो है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल पेजेस जो 3 हो गया है दोस्तों। तो 3 सीट में, यानी कि 3 A4 शीट में आप ये बिल्कुल 40 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होके निकल जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया मिल गया है दोस्तों, उसी हिसाब से आप सेट करें, आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, कितने पेज आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे देने के बाद आप प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक कर दें, और आपका पेजेस जो है आपके प्रिंट आउट में, यानी कि आपके प्रिंटर में निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है ये एक छोटा सा ट्रिक हो, लेकिन आशा करता हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल तो रहेगा ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सरकार नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।